तो सबों को जय जिसु। और आज क्या ही बोले, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं तबाही, और ये जो मंजर आप देख पा रहे हैं ये कहीं दूसरे जगह के नहीं, ये हमारे केसरामाल पारिस का कंपाउंड है। कल शाम को कुछ ऐसा आंधी चला यहाँ पर, देख सकते हैं पूरा तबाही तबाही मंजर देख सकते हैं गाइस, डराने वाला। जितना पेड़ था एक दो ठो को छोड़ के, ऊपर भी देख सकते हैं एक दो ठो पेड़ को छोड़ के ना पूरा गिर चुका है, देख सकते हैं गाइस। ये इतना खतरनाक हवा, आप लोग इसी से अंदाज़ा देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़ोरदार आंधी चला है। तो इसको हम लोग मिनी साइक्लोन भी बोल सकते हैं। और कल मतलब जब ये हादसा हुआ उसके बाद से फटाफट से हमारे फादर लोग मतलब एक इनविटेशन बनाए कि आज श्रमदान होगा। तो मैं तो रहता हूँ राउरकेला में, आप लोग जानते ही होंगे, राउरकेला में हूँ। फिर भी वो नोटिस देखा, इनविटेशन देखा कि आज श्रमदान करना है और ये सब को हटाने में मदद करना है, तो उसी के लिए मैं राउरकेला से आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल 8 बज रहा है और वहाँ पर टाइमिंग दिया गया था कि आज 8 बजे सब कोई जो भी अपना श्रमदान बिना मूल्य में, जिसको बोलते हैं बिना पैसा में काम करना, मतलब हेल्प करना है। तो फिर अभी 8 बजे का टाइम दिया गया था, पर अभी बस हम देख रहे हैं कि जो कटर हैं, जो इलेक्ट्रिक वाले कि क्या बोलते हैं उसको, मशीन वाले जो कटर आए हैं 3-4 जन, वो लोग काट रहे हैं। और पब्लिक अभी तक नहीं आया है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग सब कोई आ जाएंगे, उसके बाद ये सब को हटाया जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुआ है। गाइस मैं तो राउरकेला में था कल जब ये हादसा हुआ, बट जो लोग आएंगे अभी तो हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे और फादर लोगों को भी पूछताछ करेंगे फादर लोगों से कि कितना टाइम के आसपास ये सब हुआ और कैसे हुआ, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि कहां कहां क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ मतलब नुकसान तो नहीं हुआ है कुछ, जैसे साइड साइड में ये सब हमारे क्रूस रास्ता का स्थान बना हुआ है उन सब में तो कुछ नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी टूटा वूटा तो नहीं है, सब चेक करेंगे फ़िलहाल। और जब लोग आ जाएंगे, पब्लिक आ जाएंगे काम करने, उस टाइम में हम पूछताछ करेंगे थोड़ा सा कि कैसे हुआ ये सब, ठीक है। तो ये सब देख के ना मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आप लोग जानते ही होंगे बीते कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऐसा बहुत कुछ घटनाएं हुआ है जिससे हम इंसान डर गए हैं, मतलब डराने वाला ही काम सब हुआ है। ऊपर से इस बार का गर्मी जो है शरीर को जला देने वाला गर्मी, मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, पूरा हिस्ट्री में ऐसा गर्मी कभी देखा नहीं गया, मतलब हर जगह में इंसान मक्खियों के जैसे मर रहे हैं। तो क्या लगता है गाइस आप लोगों को कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या ये भगवान का कुछ हमारे लिए वार्निंग है या फिर सिग्नल है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या लगता है थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमारे संग एखन हमार पारिस के फादर एक जन है, फादर रॉबिन। तो हमार दर्शक मन और किसरामल पारिस केर आदमी मन और जे मन बाहर रहन उमन जाने खोजन कि ये जो हादसा हमें देखा थी मिनी साइक्लोन टाइप के रहें देखा थी, तो वो गोटोंग कैसन होला, कितना बजे के आसपास स्टार्ट होला और वो टाइम में रौरे मन का करत रही, का रौरे के आँख सामने ये सब होलक, तो हमें उसके जाने खोजे। सब दर्शक मन के यह जे मिनी साइक्लोन टाइप के हमारे केसरामल एरिया में जे बीते कल संध्या समय में करीब 4:30
बजे आसपास यह आंधी तूफान के रूप में हवा चले लगलक और एकर बहाव इतना जोर रहलक कि सब गाछ वृक्ष सबके तोड़ के सबके गिराए के तहस नहस कर दी है और बंगला के अंदर में भी बिजली तार मान के ऊपर गाछ मान गिर है और हमरे मान सब आरा देखे पड़ा थी कि कैसे बर्बादी हुई है। हालांकि घर ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं हुई है लेकिन एस्बेस्टर मान कुछ कुछ उड़ाए दी है फिर भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुई है। हमरे मान यह कंपाउंड के अंदर में हमरे देखे पड़ी कितना नुकसान या तो गाछ वृक्ष मान टूट के गिर है। तो उ जोन साइड साइड में स्थान मान बनल है हमारे क्रूस रास्ता के स्थान मान तो हुंदे कोनो दिक्कत हुई है कि नहीं हुई है? हमार जितना भी क्रूस रास्ता के स्टेशन मान है स्थान मान है और जितना बाराचेला मान है बाराचेला मान के स्टैचू मान के स्थापित करल है वो सब ऊपर ईश्वर के कृपा यह पाए पड़ी जे एक भी गाछ उस सब में नहीं लग गए। एक ठो स्टेशन या तो स्थान में जे कि बर्मा स्थान में गिर है लेकिन उकर कोनो नुकसान नहीं हुई है हमरे देखे पारिल। तो भगवान के बहुत कृपा होलक हमार किसरामाल पारिश के कंपाउंड ऊपर देखे पड़त रह हमें कि कितना सारा गाछ मन गिर है लेकिन ईश्वर के दया है हमार लगिन कि कोनो ज़्यादा नुकसान नहीं हुई है गाछ मन अपन अपन जगह में गिर अपन जगह में गिर। तो और एक ठो बात कि ये सब जो घटना होलक एखन जैसन बीते दिन में बहुत सारा है पूरा हर दुनिया के कोना कोना में जैसन दुबई जैसन जगह में बाढ़ आवे होलक ओकर बाद दुई देश में आपस में लड़ाई होलक कि हमार इंडिया चाहे पूरा दुनिया में मना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और फिलहाल ही हमें साइक्लोन देखे पड़ते अपन एरिया में। तो रौरे के का लगत है मन में ऐसा कोनो ख्याल आवा थे कि कोनो भगवान के मतलब वार्निंग है के सिग्नल है के कि आने वाला दिन में कुछ बड़ा होक वाला है कि जैसे नुआसपरिया में हो ही रहे पाप भर गलक और अथी होलक से लेके का लगे रौरे के का लगाते कि का होते? असल में एक अगर हम विश्वास के तौर में देखब तो सबकर नजरिया अलग अलग हो रहे। अगर विश्वास के तौर में देखब तो ये एक तबाही ईश्वर के ओर से वर्षा के अकर में देखब तो कृपा है के तबाही के तौर से देखब तो हमार लगिन वार्निंग है के हमार जीवन में सुधरे के लगिन और पापमय जीवन से दूर हो के ईश्वर या जीवन जिये के लगिन एक न्यौता है के। तो यह घटना के अनुसार जब देखिला हमरे के एक अच्छा जीवन जिये कहे और ईश्वर के कृपा के अनुभव करते रहे कहे। और इस सब के बाढ़ गोटे कारण भी होक पड़ल कि जैसन एखन आदमी अपने आप के भगवान सोचाते उकर भी एक ठो कारण होक पड़ल नहीं जैसन प्रकृति से खिलवाड़ जन होते आजकल प्रकृति से जैसन खिलवाड़ होते प्रदूषण मन होते जाते और परिवेश के जैसन प्रदूषित करल जाते ये भी प्रकृति हमार ऊपर जैसन प्रकृति के जैसन हमरे व्यवहार करा प्रकृति भी हमार ऊपर स्नेह व्यवहार कर रहे ओहे के हमरे आई जो उदाहरण के स्वरूप देखे पड़ा थी और ये हमार प्रति सतर्क रह के गोटे शिक्षा है के और एखनो टाइम है मन फिराव करा और मन फिराव करके परिवेश के सुधार लाने गाछ वृक्ष मन लगाए और परिवेश के बेस बनाए। तो धन्यवाद फादर और ऐसे हमें बहुत कुछ जाने के पड़ी कि कैसन होला कि हादसा। तो फिलहाल कितना बड़ा पब्लिक मन आवे वाला है शायद मैं सुन लो सन पब्लिक मन एक साफ सफाई करे क्या तो गच मन के जो गिर जाए उस सबके हटाए उकर लगे इन सबके बोलाल जाए न्योता देवाल जाए और समय 8 बजे देवाला है लेकिन सब बटे यह लिखे गाछ वृक्ष मन गिर है सका लगे अपन अपन एरिया में भी साफ सफाई करके आसरा करल जाते कि 8 बजे समय देवाल रहे एटलीस्ट कुछ समय में आदमी मन या तो आयोबा यूथ मन सब आओ एक कृपा करवाएं। तो देख सकते हैं गाइस इधर काम चालू हो चुका है और हमारे पारिश फादर जा रहे हैं टाइम मिलने पर उनसे भी बात करेंगे कि कैसे ये हुआ क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिलहाल देख सकते हैं काम चालू हो चुका है। तो एखन देखे पड़ा रहा हमारे पास यहाँ सुनीता मैडम जी
तो इनसे हमें बात करब और विशेष करके दुई ठो सवाल है हमारे दर्शक मन लगिन हमारे श्रमर फारिस वाला आदमी मन लगिन और पैक परेली सबकर लगिन है काम देवी। तो मोर पहला सवाल है के रौरे से कि जैसन हमें कुछ बीते दिन में या फिर बीते साल से हमें देखे पड़त रह कि दुई देश में लड़ाई से लेके दुबई केर दुबई जैसन मरुभूमि में हाँ बाढ़ आवेक ऊपर से एखन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी मतलब शरीर के जलाए वाला गर्मी ऊपर से ई सब जन हमें छोटे मोटे देखा थी तो रौरे के का लगा थे कि का हुआ थे दुनिया में मतलब हमें जैसन प्रकृति के खिलवाड़ करा थे उकर बदला में हमके रिटर्न आवा थे कि भगवान के तरफ से कोनो सिग्नल है के कि का कोनो होएक वाला है आगे दिन में का लगा थे मन के जैसु और भाई के सवाल के मुताबिक यह मोर सोच से कि खान के युग में दुधु देश के लड़ाई के वजह से जोन कहाल जाते ई भी एक ठू माने प्राकृतिक के माने विपर्जय के कारण भी है के कारण कि देश में जो लड़ाई सबसे बारूद और दुनिया रकम के क्षेपणास्त्र मन सब यूज कर वजह से क्लाइमेट सब भी चेंज होल के वजह से अगर एखन हमारा पूरा भारत देश होला कि दूसरा देश में भी होला इंडस्ट्री के डेवलपमेंट बहुत जोर से हुआ थे और उकर लगिन उमन कोनो और ग्रीन जिसन की गाछ रोपे के रहती मन इस सब नहीं करल के वजह से हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ थे और इसन मौसम भी हुआ थे और गर्मी ज़्यादा गर्मी के वजह से ई जो कैल जिसन प्रकल्प होलक ई गोटों सडन या तो हमरे जैसे न कहा कि हमारा देश में दुष्ट देश के जो वार माने लड़ाई से हमारा दुनिया के में भी प्रभावित होवेला ये गोटो एक प्राकृतिक जो थी आखे संयम उ गोटो माने एक कोऑर्डिनेट होकर राह नहीं हो पारा थे और दुनिया कम के माने प्रॉब्लम मन हुआ थे। तो दूसरा सवाल मोर ये है कि एखन का कहम इलेक्शन से है धरा था कि जैसे एखन हमार ओडिशा में मतलब 24 साल 25 साल जो राज करे वाला सरकार रहे जन हमार बीजेपी सरकार रहे वो गिर गेलक अचानक से अलग फिर यहाँ भी बीजेपी सरकार बनलक फिर ना चाहते हुए भी हमार इंडिया नेशनल में भी इतना महंगाई के बावजूद भी मोदी सरकार बनलक तो एखन डबल इंजन के सरकार होलक और हमार पंच पंचायत में बहुत दिन से देखते आवा थी कि हमार जमीन जगह लगिन भी बहुत कुछ होवा थे प्रॉब्लम नहीं ऊपर से बाहरे बटे गांव बटे होलक तो होलक हमार पारिस में भी इतना मतलब विपत्ति अलग ऊपर में रौरे के का लगा थे कि हमके भगवान और छो सिग्नल देवा थे कि केसरामल वासी तोरे रेडी हो जावा कि पाँचों पंचायत वाला मन केसरामल पारिस वाला मन रेडी हो जावा कि आगे और कुछ होएक वाला है तैयार रहा कि कैसन रहा के का लगा थे ये सब। हाँ हमरे तो केसरामल पंचायत की पांच पंचायत के राधी मन ओवरऑल मने रेडी है आई हमरे फाइट करे के लगे जेतु हमर जमीन अधिग्रहण इलीगल सबसे हमर जमीन अधिग्रहण करल जाते और ई गोटो सब फचरी बहुत कुछ शादी मन दलाल के काम करा था इंचर में और ये सब फचर सिग्नेचर के वजह से आगे जो बातें चाहते उनके हमें रोकथाम करे के लेकिन हमारे ऑलरेडी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल ऑलरेडी कैसे रही उनका जजमेंट भी बाकी है और आगामी दिन में हमारे मन कोर्ट कचहरी के उनके छोड़ के आदि मन पूरा अवेयरनेस है कि हमारे मन कैसे अपन जमीन के बचा उनके साथ हमारे विस्थापित नहीं हुआ पे के भी आदि मन मन मैंने सोच है और यहाँ से विस्थापित हो के कोनो मैंने हमारे कोनो कोनो अथी से हमारे दूसरा जगह हमारे नहीं जा पे के सोच ले है और ये गोटों जो कल के जो नीति आवा थे इकर में हमारे नया नवीनीकरण के हिस्सा में करते हैं मैं ऑलरेडी पुराना गाछ मन के कटअप है कहते कहते मैंने समय नहीं होते रहे और हमारे तय भी करत रही टाइम तय कर रही लेकिन होक नहीं पड़ रहे और सडनली आए कि गोटों पूरा पुराना अथी के मैंने खत्म कर दिलक तो हमारा एखन नवा एखन कटब तो फिर नया नौजी नहीं बेस सिग्नल भी है और जेहेतु हमारे यहाँ
विधायक डॉक्टर सी एस रजन एक जीत होलक जेहेतु वो हमारे साथ हमेशा हमारे मन के मने साथ दे हैं, हर लड़ाई में साथ दे हैं। अधिमन रन्ना रकम के उकर प्रति ब्लेम करते जान, लेकिन वो कहियो भी केकरो मने कोनो पार्टी के हो कि क्यों पर्सनल मने आदमी के हो को कहियो ब्लेम नहीं करेला। तो और हमेशा हमारे साथ में हमार पांच पंचायत के हमार सो बेरा मने साथ हो के रही हैं। तो हमरे उके भी मने एक ठो विक्ट्री सोचा हमार यहाँ पंच मने रजगमपुर विधानसभा इथी एरिया लगिन। और जेहेतु एखन डबल इंजन कर बात होलक तो सेंट्रल में भी मने इंडियन अलायंस आवे के नहीं पारलक और वहाँ इंडिये मने अपन अथी के बनालक सरकार के बनालक कोई बात नहीं। लेकिन देखल जाते सबसे बहुमत मने विरोधी दल मन भी जोर शोर से आ है, हमरे कुछ प्रॉब्लम अलग मने कुछ तो कर लगिन मने विरोध करे लगिन भी आदि में है। एखन यहाँ एखन ओडिशा सरकार 24 साल 25 साल राज करके अलग, लेकिन देखल गए एक मिनट में पूरा मैं हर लोकसभा अथी में एको टू भी जीते नहीं पाल इचर में शायद मैंने आदि मन भी चाहत रहा है कि सरकार चेंज हो गई के तो चेंज होलक। और हमारा एक आदिवासी मैंने मुख्यमंत्री भी हो बैठे ये गोटे एक गौरव के बात भी एक है। और देखिए आगामी काम कैसे हो, लेकिन हमारे हमारा जमीन अधिग्रहण के हमारे जो इलीगल सब करा थे उसके तो रोकथाम करे लगे पूरा पंचायत बात रेडी है। तो धन्यवाद दौरे के इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर इतना अच्छा से आंसर दे ली उधर लगी। तो देख ही पाए अभी तक हम लोग बात किए सुनीता मैडम से और रोबिन फादर से। ये एक खुशी का अवसर भी है कि जो हम लोग चाहते थे बहुत दिनों से पेड़ काटना वो नहीं हो पा रहा था, अचानक से भगवान हमें हेल्प किया वो भी एक तो है। और एक तो हम वार्निंग के तौर पे लेते हैं कि अभी आने वाला दिन में कुछ भी हो सकता है, तो अपना पाप से मुक्त होइए, मन फिराव करिए और ईश्वर की तरफ वापस आइए, ये भी एक सिग्नल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसे काम होता है कैसे कटिंग हो रहा है सब दिखाते हैं, ठीक है। का है गेलक जी कोनो नहीं होए तनी ई करता ई कर पति मर का गेलक जेल गेलक मोबाइल फूट जाते ओ पति ई की कहन पति हां पति कहन की दुखा में चला छे मोबाइल मोबाइल नहीं देते नहीं तेल नहीं जाते हूं अच्छा से भिंजक चाहिए पूरा तेल हुआ कर नहीं पाती हूं हुआ कर ठीक है। हां लेकिन कैसे करा था पूजो पूरे तो इधर देख सकते हैं गाइस मैं गोरोटो के ऊपर खड़ा हूँ देख सकते हैं। और यहाँ पर ना यहाँ पर भी गिरा है बट माँ मरियम का कृपा सोचिए या फिर क्या सोचिए यहाँ पर कुछ भी हानि नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा लगा है अल्वेस्टर में, ऊपर से इधर भी पेड़ गिरा था, यहाँ पर पेड़ गिरा है लेकिन देख सकते हैं कि हमारा जो स्थान है कुछ नहीं हुआ है, मतलब क्रूस रास्ता का जो स्टेशन है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। फिर ये जो संत हैं
हुआ। यहाँ पर भी पेड़ देख सकते हैं ऊपर से गिरा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो आगे चलिए दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। इधर भी बहुत सारा देख सकते हैं, ये कैसे टूटा है, ऊपर में कैसे लगा गया है, देख सकते हैं गाइस। तो अभी फिलहाल 9 बजने को है और प्राय लोग आ चुके हैं, बट बहुत सारे अभी आने को हैं, मतलब बहुत सारे लोग आएंगे अभी भी। पर हम सुने कि इधर का साइड, जैसे कोलापरा से लेके तिलईमाल साइड में भी ऐसे बहुत सारा पेड़ उखड़ उखड़ गया है, तार में गिरा है, इसीलिए करंट भी नहीं है गाइस। और बाकी अपना अपना जगह में भी लोग काम कर रहे हैं, तो काम ख़त्म होगा तब ना यहाँ का आएंगे। अपना अपना घर में भी गिरा है, और हम एक तो सुने कि किसी का घर का अल्बेस्टर उड़ गया है पूरा, मतलब हवा घुस गया और ऊपर से अल्बेस्टर जो था उसको उड़ा के ले गया है। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा जगह में हुआ है। तो फिलहाल तो बने रहें, दिखाते रहेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। और देख सकते हैं इधर ऐसे दिख रहा है।